आज हम आए हैं गांधरी में, हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं रहमतुल्ला रुनियाल जी, इनके पास जो इन्होंने यहाँ पे लगभग 5 से 6 कनाल में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया और स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए स्प्रिंकल और एग्रीकल्चर के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया है। तो ये हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फंक्शनल करता है, कैसे चलता है। तो ये दिखाएंगे, ये है इन्होंने बनाया है पॉन्ड, मोटर है इसकी जो इनलेट करेगी पानी को, यहाँ से आएगा पानी। ये इसका जो है ये पानी डायरेक्ट जाएगा, अगर और अगर फर्टिलाइज़र डालना है तो फर्टिलाइज़र के लिए यहाँ से इनलेट है, तो यहाँ से फर्टिलाइज़र जाएगा। जब फर्टिलाइज़र डालना है तो इसको बंद कर देना है और इससे को ऑन करके, तो यहाँ से ये फिल्टर है, ये फिल्टर होकर पानी जो है बाद में पाइप्स में आगे जाएगा। तो मैं थोड़ा ये रहमतुल्ला जी से करता हूँ कि ये थोड़ा आपको बताएंगे इसके बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में बताएंगे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इनकी कैसे हेल्प की, क्या इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई और इन्होंने अपना जो सिस्टम चलाया। मैं एग्रीकल्चर महकमे का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे यहाँ अभी ये तसव्वुर नहीं था ड्रिप इरिगेशन वगैरह का, तो अपने तौर से जो है हम करते थे यहाँ पे, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह बड़ी कम लगती थी यहाँ पे। तो मैं तो सारा क्रेडिट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देता हूँ कि हमारे ब्लॉक गांधरी में जो है इस वक्त वेजिटेबल्स का काफ़ी काम हो रहा है, और उसके अलावा हमारे दो जो हमारे ऑर्गेनिक क्लस्टर हैं दो इस वक्त यहाँ चल रहे हैं, तो उसमें जो है डिपार्टमेंट पूरी जो जो लोगों को जो है पूरी सहायता दे रहा है, पूरी मदद दे रहा है और उन्हें जानकारी भी दे रहा है। तो ये जो हमारे हाँ तो ये एक नया तसव्वुर था ड्रिप इरिगेशन का, तो एग्रीकल्चर महकमा की तरफ से ही जो है हमें ये इसका जो है इस इनकी तरफ से पूरी मदद मिली हमें, और हमने यहाँ पर जो ये लगाया है इंस्टॉल किया हुआ है। और इस बार जो है हमें उम्मीद है कि जो पहले हम जितना हासिल करते थे उससे कई गुना ज़्यादा जो है हम यहाँ से फ़ायदा लेंगे, चाहे हमारा हॉर्टिकल्चर का है, चाहे हमारा एग्रीकल्चर का है, सब्जियाँ वगैरह जो है। तो और इसमें हमें जो है बहुत आसानी हो गई है इस वक्त, पहले जो है काफ़ी हमें लेबर लगती थी, काफ़ी इसमें मेहनत करनी पड़ती थी और फिर उसके बाद जो है जो हम इरिगेट करते थे तो उसमें जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे पास थी ये कि वीड्स बहुत ज़्यादा आ जाती थी। तो इस बार जो है जिस तरह से हमने ये करके रखा है तो इसमें वीड्स वगैरह भी कम आएंगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो लेबर कास्ट जो है वो भी कम हो जाएगी इसमें। उसके अलावा जो है हम इसमें मल्चिंग वगैरह भी करेंगे, तो लेकिन इसमें जो है इस वक्त तक डिपार्टमेंट के लोग जो हैं हमारी पूरी जो है चाहे ऑफिशियल्स हैं चाहे ऑफिसर्स हैं वो हमें पूरी मदद कर रहे हैं इस वक्त, और मैं कम से कम पर्सनली मैं पूरा क्रेडिट जो है वो महकमे के को देता हूँ कि जो हमें वक्त वक्त पर आकर हमारी जो है हमें गाइडेंस भी देते हैं और हमें टेक्निकल गाइडेंस भी देते हैं, सीड्स वगैरह जो है उसके बारे में भी हमें जानकारी देते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं की मदद की वजह से हम इस मिशन को आगे चला रहे हैं। ये फील्ड तैयार किया है रुनियाल साहब ने, ये ड्रिप इरिगेशन को इसमें देख रहे हो आप, ये लगा दिया है। अब इसमें सीडलिंग्स लगानी है, एक टमाटो के लिए इन्होंने फील्ड तैयार किया है जिसमें स्पेसिंग जो है लाइन टू लाइन जो है 2.5 फुट की जो है स्पेसिंग मेंटेन की गई है। ये खंभे जो है लकड़ी के लगाए गए हैं और इनके बीच में जो है जब ये सीडलिंग्स हमारी तैयार होंगी तो इनके बीच में रस्सी बांध के जो है इसको स्टॉकिंग दी जाएगी और ये टमाटर जो है जो इसमें लगाया जाएगा इसको खड़ा किया जाएगा। अब थोड़ा ये वेट कर रहे हैं, थोड़ा बारिश का सीज़न शुरू हो जाए बरसात का, और तब तक हमारी जो है सीडलिंग्स टमाटर की वो भी तैयार हो जाएगी और उसके बाद हम इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। टोटल ऑर्गेनिक है, जितना भी है इसमें कोई भी पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और आज से पहले 3 साल से हो गया है ये जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक का चल रहा है, 3 साल से यहाँ पे कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो भी कीड़ा वगैरह या कोई भी इंसेक्ट लगता है तो इसको ऑर्गेनिक ही ट्रीट किया जाता है। एक और चीज़ दिखाएंगे आपको जो एक इनोवेटिव टेक्निक जो है रुनियाल साहब ने जो है अपनाई है मल्चिंग की।
तो आमतौर पर मल्चिंग जो है वो पॉलीथीन शीट को बिछा के की जाती है ताकि सॉइल में मॉइस्चर ह्यूमस मेंटेन रहे, लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इसका इस्तेमाल किया है ऑर्गेनिक मल्चिंग। ये जो अभी इस्तेमाल किया गया है ये पीस जो है मटर जो है उसका घास है वो डाला गया है। इससे दो फायदे हैं, एक तो मल्चिंग का काम करेगा, दूसरे इसमें नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो वो भी इसको क्रॉप्स को मदद करेगा। ये करेले की क्रॉप लगाई है, स्टैकिंग वगैरह कर दी गई है इसको, ये ड्रिप इरिगेशन में ही इसको लगाया गया है। तो ये मल्चिंग के, और एक और इन्होंने बड़ी मल्चिंग का एक अच्छा नायाब तरीका जो है अपनाया है, जो वेस्ट होता है हमारा पाइन्स के पेड़ होते हैं चीड़ के, तो उनका भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो भी मल्चिंग के लिए इन्होंने रखा है जो इस्तेमाल करेंगे। ये जो चीड़ जो है जंगली, उस चीड़ का जो है ये घास जो है ये इन्होंने लाया है, तो ये इसकी एक बात है कि ये बिल्कुल लाइट को रोक देता है, जब हम इसको ज़मीन पर डालेंगे तो लाइट को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, रोक देगा, नीचे ज़मीन तक नहीं जाना जाएगा, जिससे ज़मीन में पानी की जो ह्यूमस बनी रहेगी, मॉइस्चर बना रहेगा, उसको एवेपोरेट नहीं होने देगा। तो ये इन्होंने लाया है, ये इकट्ठा किया है, तो जो ये हमारा जितना भी ड्रिप इरीगेशन लगाया गया है इस साइड, तो इस सारे में जो है इसको इसी की मल्चिंग जो है करके लगानी है, तो जो एक ऑर्गेनिक मल्चिंग के तौर पर जानी जाएगी। और ये बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव टेक्निक्स है, हमारे रामन के दूसरे फार्मर्स जो हैं वो भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं मल्चिंग के लिए। एक और चीज़ हम आपको दिखाएंगे कि इन्होंने जो ये खीरा लगाया, बीन्स लगाई है, इसकी स्टेकिंग के लिए जो है ये जाला इन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक से लिया है, जो ये जाला जो है स्टेकिंग के काम आएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया है जो इन्होंने अडॉप्ट किया है। ये बोटल गार्ड्स जो इस वक्त तैयार है हमारा, बहुत ही अच्छी कंडीशंस में, कोई इसमें इंसेक्ट्स या पेस्ट का कोई अटैक नहीं है, बहुत अच्छी कंडीशंस में है। जो तैयार किया गया है ये भी तैयार है, अब इसमें गोबर वगैरह काउडंग डाल के इसको तैयार किया जाएगा, ऑर्गेनिक ही ये सारा बनेगा। इसमें चिल्लीज वगैरह लगाई गई है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अभी बहुत छोटी है, लेकिन इसमें भी इंसेक्ट या पेस्ट का कोई भी अटैक नहीं है। ये इंटरक्रॉपिंग है हॉर्टिकल्चर के साथ में, हॉर्टिकल्चर के प्लांट्स भी इसमें लगाए गए हैं, तो इसमें चिल्लीज, वेजिटेबल्स, टमाटोज़, तो ये सारा देख सकते हैं आप जो हमारा तैयार है।